स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर तो आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंटें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चंस लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शुरू करने से पहले अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ ही कमेंट में कमेंट करते चलना है शुरू करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप साइलेंट नोट इज आपके पास ऑप्शन हैं ए बी सी डी क्या होगा इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है और यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप आंसर को कमेंट कीजिए और फिर मिलाइए कि आपका कितना सही जा रहा है और आपको लास्ट में बताने भी है कि आपने इन सभी क्वेश्चन में से कितना में से कितना मार्क्स गेन किया तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका जो नदर नाम नदर नेम होता है फ्राट पर मीटर यानी फ्रॉड पर मीटर भी होता है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो यूनिट है और समझिए एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ देता है कि परमिटिविटी ऑफ़ फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होता है ऐसा यूनिट में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व ऐसा यूनिट में कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द बॉडी इज चार्ज बाई रबिंग इट्स वेट आपके पास ऑप्शन देखिए ऑप्शन हैं आपके पास तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैं इंक्रीजेस स्लाइटली और में डिक्रीजेस स्लाइटली यहाँ पर मैं होगा मैं इंक्रीजें स्लाइटली और मैं डिक्रीजें स्लाइटली कैसे तो कंसेप्ट को समझिए बॉडी चार्ज कब होता है जब या बॉडी पर दो तरह के चार्ज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि उसके जो कुछ मास का उसमें से क्या हुआ लॉस हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ कि जो उसमें मास का क्या हुआ गेन हुआ यानी कि उसका मास भी क्या हुआ बढ़ा इंक्रीज किया यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेन व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ आपके पास ऑप्शन हैं ऑप्शन को देखिए ऑप्शन है प्रोटोन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू द अर्थ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू द अर्थ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द कंडक्टर और ऑप्शन डी है नो चार्ज फ्लो ऑकर्स तो आपको क्या लगता है इसका राइट right आंसर तो इसका जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू अर्थ देखिए यहाँ पर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है क्योंकि देखिए समझिए बात को निगेटिवली चार्ज करा है पर निगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू अर्थ अगर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज भी करता है तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है पॉजिटिवली चार्ज को भी अगर अर्थ में कनेक्ट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल पास ऑप्शन हैं ऑप्शंस को देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव या परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज या परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज तो इसका क्या राइट आंसर होगा आपको बताने हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पर टर्म्स जो आया है जो वर्ड आया है इलेक्ट्रिक डायपोल तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डापोल जो होता है वो पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जो कि सेपरेट किया होता है कुछ डिस्टेंस पर जैसे समझिए यहाँ पर अगर माइनस की जो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होगा और यहाँ पर प्लस की कुछ डिफरेंट यहाँ पर यही डापोल हो गया इस पर यहाँ पर कुछ सेपरेशन से इसके डिस्टेंस पर रखा गया यही डायपोल हो गया और जो होता है एक टर्म्स आता है डायपोल मोमेंट उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए डायपोल मोमेंट क्या होता है वो डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है और डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो होता है चार्ज इनटू लेंथ फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है मतलब कि डायपोल मोमेंट वो कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है या वक्टर क्वांटिटी है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा इलेक्ट्रिक रायपोल जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है याद रखिएगा एग्ज़ाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको बहुत ही एक देखिए जैसे इस वीडियो में आपको एक टर्म पर बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया जाता है देखने को आपको लगा कि मात्र थर्टी ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये थर्टी ऑब्जेक्टिव नहीं है लगभग पचास से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव समझिए कि आपको पचहत्तर प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें कराए जाएंगे डिस्कशन के साथ हो जाता है ना तो चलिए इसका और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है मतलब कि डायपोल मोमेंट का ऐसा SI यूनिट क्या होता है तो डायपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम मीटर होता है यानी कि चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द रहता चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉस लॉज एस्टेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ आपके पास ऑप्शन है ऑप्शंस को देखिए आपके पास ऑप्शन है एनी सर्फेस इक्वल टू द चार्ज इन क्लोज विथ इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए साइलेंट नॉट ए क्लोज सर्फेस इन भैकम इक्वल टू तो नेट इनक्लोज विद इन द वॉलम डिवाइडेड बाई एपसाइलन पहले आप बताइए गॉस लॉ क्या होता है गॉस लॉ तो गॉस लॉ का मतलब होता है टोटल फ्लक्स जो होता है फ्लक्स पास करता है किसी सर्फेस से वो एपसाइलन नो टाइम से क्या किया जाता है डिवाइड दिया जाता है डिवाइड किया जाता है इसको वन बाई एफसाइलन नौ टाइम्स से हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ए क्लोज सर्फेस इन बैकम इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एपसाइलन नोट समझिए जो फ्लक्स का जो गॉस गॉस का फ्लक्स है फॉर्मूला होता है क्यू बाई एबसाइलेंट नोट क्यू इनक्लोज जो चार्ज इनक्लोज रहता है उसको हम लोग एबसाइलेंट नोट से डिवाइड करते हैं और आपको एफ सैलेंट नोट के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि एफसाइलेंट नोट का जो एस आई यूनिट में कितना वैल्यू होता है एबसाइलेंट नोट का क्या जो होता है वो इसका जो यूनिट होता है चलिए जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चार्जिंग बाई इंडक्शन आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन को देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए क्या होगा राइट आंसर तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाई ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट नियर इट इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन जब किसी किसी चीज़ को बिना कंटेक्ट फिजिकल कंटेक्ट में न रख कर उसको चार्ज कर दिया जाए तो चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है और यदि अनचार्ज बॉडी को अर्थित किया जाए तब चार्ज अर्थ जब जो चार्ज रहता है वो अर्थ में चला जाएगा और एक सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है एक जो चार्ज होता है वो सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है जाता है इसके टर्म पर आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे द यूनिट ऑफ चार्ज इज आपके पास ऑप्शन है ओम वोल्ट एम्पियर कुलॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुलॉम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है और आपके एग्जाम में एक और इस, इसी टर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है तो याद रखिएगा चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड आपके पास देखिए को तो इसका जो राइट जाएगा यहाँ पर चार्ज ए चार्ज तो इसका जो आप टर्म आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस जो करता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर क्यों है अगर यूर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दिया जाए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आपको दम याद रखने हैं तो रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है तो इसका जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है और एक और एक और इससे टर्म से जुड़ी बात मैं बता देता हूं आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे यूनिट पूछे जाएंगे कैसी क्वांटिटी है ये पूछे जाएंगे और इसका डायमेंशन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम और इसके जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाई चार्ज तो फोर्स बाई चार्ज मतलब समझिए इसका डायमेंशन आपको लिखने तो के लिए कहेगा तो डायमेंशन के लिए फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और चार्ज का हो गया ए टी यानी कि इसका जो डायमेंशन हो गया क्या हो गया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन ये भी आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन भी याद रखने हैं कैसी क्वांटिटी है याद रखना है और कि, इसका जो यूनिट क्या होता है या ये आपको याद रखना है बहुत ही बहुत बार ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यही एग्जाम यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अगला जो क्वेश्चन है ए यूनिट चार्ज क्यू इज मूव्ड अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर फिक्स्ड पॉइंट चार्ज सो द वर्क डन इज इसमें आपसे वर्क डन पूछ रहा है आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है तो आपको ऑप्शन दिया गया है आप आंसर को अगर आपको पता है तो आंसर बताइए तो और ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज जीरो क्यों समझिए क्यों जो सर्कुलर पाथ होता है वो किस तरह का बिहेव करता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बिहेव करता है और इक्विपोटेंशियल पर चार्ज कितना होता है जीरो यानी वर्क डन क्या होगा ऑलवेज जीरो होगा चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए यूनिट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब साइड एल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज आपके पास ऑप्शन हैं ऑप्शन को देखिए ऑप्शन ए है क्यू एल स्क्वायर बाई एफ नॉट क्यू क्यूब बाई एफ साइलेंट जीरो या क्यू बाई सिक्स एल ए स्क्वायर एफसाइलन नोट तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यू बाई एफसाइलन नोट समझिए क्यों है कैसे क्योंकि द चार्ज इन साइड ए क्यूब कितना है क्यूब है प्लस क्यूब है और फ्लक्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाई एफसाइलन नोट यानी कि अगर एक चार्ज है क्यू है तो इसको डिवाइड करेंगे एबसाइलन नोट से तो क्या होगा क्यू बाई एफसाइलन नोट ऑप्शन बी द राइट आंसर चलिए आपसे एक क्वेश्चन मिला कि आप लोग बताइए अगर नेट चार्ज इन बाई ए क्लोज सरफेस जीरो है कोई क्लोज सर्फिस के द्वारा चार्ज को क्लोज किया गया जीरो है तो उसका फ्लक्स कितना होगा फ्लक्स आपको निकालना है फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्यू बाईफ नोट और यहाँ पर जो क्यू है वो जीरो है तो कितना होगा जी बिल्कुल जीरो होगा राइट right आंसर क्या होगा जीरो होगा चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस एक्सिज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए यही सब क्वेश्चन आपके माइंड को चेक करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जो ऑप्शन option है ऑप्शन को देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्यू ई एक्स समझिए कैसे क्योंकि अगर जब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा Q इन टू e को एक्सपीरियंस करेगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो अब वर्क डन बराबर फॉर्मूला आप पढ़े हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फिर यहाँ पर डिसप्लेसमेंट दिया हुआ है एक्स डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है तो फोर्स हो गया क्यू ई और डिसप्लेसमेंट कितना है एक्स यानी क्यू ई एक्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी कंबिनेशन ऑफ चार्ज इज द ऑप्शन ए है द

ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बार बार कर रहे हैं अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं पॉज करके आप आराम से इसका ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को देने का आंसर देने की कोशिश कीजिए चलिए तो इसका राइट आंसर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो डायरेक्शन शो करता है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अब टेंजेंट ड्रॉ करके पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? वो, है वो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए सिस्टम ऑफ चार्ज को ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखने हैं यहाँ पर आपका फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका ऑप्शन दिया है इज ए मेजर ऑफ़ द इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए सरफेस माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है मीन्स इज ए मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस इज ए मेजर ऑफ द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस इज ए मेजर ऑफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल थ्रू ए सर्फेस इसका क्या होगा राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए मेजर ऑफ़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस फ्लक्स का मतलब क्या होता है आपको फ्लक्स का मतलब समझिए फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जाम में आपको बार बार कहा जा रहा है कि जो होगा आपको पूछा जाएगा कि कैसी क्वांटिटी है इसका डायमेंशन क्या होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है तो आपको बता दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम समझिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और इसका जो अनदर नेम भी है अनदर नेम हम इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फ्लोइंग लाइज वैलिडेटेड वैलीडेटेड बाई कुल्स ला आपके पास ऑप्शन हैं ऑप्शन को देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यह क्या करता है वैलिडेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग एस्पियर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द एस्पियर देन द नेट चार्ज ऑन द एस्पियर इज आपके पास ऑप्शन हैं मतलब क्वेश्चन को आप समझ लीजिए आपके पास ऑप्शन है निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नन इनफॉर्मली ओवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द एस्पेयर निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अन इनफॉर्मली यूनिफॉर्मली ओवर द सर्फेस ऑफ द एस्पेयर निगेटिव एंड एपियर्स ओनली एट दी पॉइंट ऑन द एस्पियर क्लोजेड टू द पॉइंट चार एंड ऑप्शन डी है जीरो सभी क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपका आंसर बताना है इसको और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीरो जो चार्ज भी कम्स क्या हो जाएगा इसमें जीरो हो जाएगा जब न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर्स को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में प्लेट करते हैं आउटसाइड तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग ऊपर के सबसे में थे तो इसका right जाएगा, B, है हमारा द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज गिवेन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके द्वारा दिया गया था ऑप्शन ए है चार्ल्स ऑंगेस्टीन डी कुलम बी है जॉन डाल्टन सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन डी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ऑनस्टाइन कूलम और इन्होंने कब दिया था तो सत्रह सौ पचासी ईस्वी में याद रखिएगा सेवनटीन एटी फाइव में और एक आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन है आपको बताना है क्या कि ये जो नियम दिए थे इलेक्ट्रोचैट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इसका आप अभी हम लोग क्या कहते हैं इसका नाम जो है वो कुलम्स लाल रिलेशन कुलम्स लाल रिलेशन ए बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर और इसका एक और नाम है कुलम्स लॉ को याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस है आपको कन्फ्यूज कर सकता है लेकिन अगर याद रखिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम नामकरण किसने किया तो ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन बी है चार्ल्स डार्विन सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन डी है जेम्स मैक्सवेल तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक निगेटिव और एक पॉजिटिव और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि बेंजामिन फ्रेंकलिन कहाँ के थे तो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ टू ग्लास रॉड्स आर रब्ड बाय द वुल एंड आर प्लेस्ड क्लोजर टू इच अदर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर ट्रू आपके पास ऑप्शन हैं ग्लास रोड्स कम क्लोज टू इच अदर ग्लास रोड्स मूव अवे फ्रॉम इच अदर ग्लास रोड डज नॉट चार्ज इन इट्स पोजिशन नन ऑफ दिस क्वेश्चन को समझिए कह रहा है कि अगर टू ग्लास रोड्स को रब किया जाए ऊल के साथ तो अगर फिर उन दोनों को क्लोजर किया जाए तो क्या आप क्या ऑब्जर्वेशन पाते हैं कौन सा ऑब्जर्वेशन सही होगा तो समझिए ग्लास रोड एक्वायर द चार्ज ऑफ द सेम पोलरिटी वाइल एक्वायर द चार्ज ऑफ द अपोजिट पोलरिटी ग्लास लाइक चार्ज होगा और अनलाइक चार्ज क्या करता है अट्रैक्ट करता है यानी ग्लास जो हो गया वो दोनों क्या हो गया लाइक like चार्ज हो गया और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है यानी कि ये मूव्स अवे फ्रॉम दी मूव्स अवे करेगा फ्रॉम ईच अदर यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर ट्वेंटी का ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है समझने लायक हम आप समझ कर इसका आंसर दे सकते हैं चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉय वॉन्ट्स टू मेक द चार्ज ऑन इट्स ग्लास रॉड टू बी पॉजिटिव मतलब समझिए एक लड़का है जो चाहता है कि ग्लास रोड पर उसका जो कैसा चार्ज बने पॉजिटिव विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन बी यूज बाय हिम पॉजिटिव चार्ज आने के लिए वो कौन सा मेथड उपयोग करेगा ऑप्शन है कीपिंग द ग्लास रोड इन द सनलाइट रबिंग द ग्लास रोड विथ कट कैट फॉर रबिंग द ग्लास रोड विथ सिल्क क्लॉथ नन ऑफ दी तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वो क्या करेगा कि रबिंग द ग्लास रोड विथ सिल्क क्लॉथ यानी कि जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब्ड होगा तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव और सिल्क पर क्या होगा निगेटिव चार्ज और लड़का को चाहिए कौन सा चार्ज पॉजिटिव यानी कि उसको सिल्क के साथ ग्लास रोड को रब करना पड़ेगा और रबिंग बाय रबिंग चार्जिंग को इस तरह के मेथड को कौन सा चार्जिंग कहते हैं तो रब, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं याद रखिएगा आपको भी याद रखने हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंटिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कौन सा जो प्रॉपर्टी है जो चार्ज को दो तरह में बांटता है और दो तरह के चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलारिटी पोलारिटी जो है वो पोलारिटी ही डिफेंस करता है चार्ज दो प्रकार के हैं पॉजिटिव और निगेटिव और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पैरल कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट पैरल कॉम्बिनेशन जो पैरल में होता है रेसिस्टेंस को जुड़ा जाता है तो कौन सा क्वान्टिटी इसमें जो है वो वो जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है तो ऑप्शन है आपके पास है करेंट बी है वोल्टेज सी है रेसिस्टेंस और डी है चार्ज तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का बताइए आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर वोल्टेज और आपको बताना है जैसे याद कर लीजिए जो वन बाई आर पी जो रजिस्टेंस इन पैरेलल हुआ वो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू डॉट डॉट मैंने जितना भी रेजिस्टेंस आएगा सबको इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग कम्बिनेशन इज प्रफरेबल इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे और आपके इन सभी क्वेश्चन को हल करते करते आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जा रही है तो जो आपका दो, दो मार्क्स क्वेश्चन है वो भी आसानी से सोल्व हो सकता है चलिए जो इसका ऑप्शन है सीरीज़ बी है पैरलेल सी है बोथ सीरीज एंड पारल डी है नाइदर सीरीज और नॉट पारल इसका राइट right आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में कौन सा उपयोग करते हैं तो पैरेलल उपयोग करते हैं क्यों क्योंकि अगर एक स्विच को बंद करेंगे तो सिर्फ वही बल्ब बंद होगा अगर, अगर सभी बल्ब नहीं जलेंगे सीरीज में ऐसा नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वान्टिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट अब सीरीज में पूछ रहा है उसमें पूछा था क्या पैरेलल में तो पैरेलल में वोल्टेज जो था वो रिमेन कॉन्स्टेंट था और सीरीज में आपको याद रखने तो सीरीज में जो होता है वो करेंट रहता है याद रखने आपको पैरेलल में याद रखिए वोल्टेज और सीरीज में करंट जो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा और सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो आर एस बराबर वन बाई आर वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ए सॉप पवल इज गिवेन निगेटिव चार्ज इट रेडियस विल ऑप्शन ए है इंक्रीज बी है डिक्रीज सी है रिमेन अनचेंज और डी है नन ऑफ दिज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज करता है क्यों क्योंकि रिपल्सिव फोर्स क्या होता है रिपल्सिव फोर्स के कारण यह क्या करता है रेडियस क्या करेगा इंक्रीज करता है आपका हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल तो समझिए चार्ज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल क्या आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे क्यू बराबर एनी तो इसमें जो होगा कि वो चार्ज का जो पॉसिबल पूछ रहा है यानी इंटीग्रल फॉर्म में रहता है तो भी पॉसिबल होता है यानी कि ऑप्शन ए जो है वो भी इंटीग्रल फॉर्म में है बी भी इंटीग्रल फॉर्म में है और सी जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है यानी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है इस यानी ऑप्शन डी सी द राइट आंसर ये पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज विल बी वो एक कुलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या होगा आपको इसके लिए समय दिया जाता है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू डी पावर एटीन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कूलम ऑफ चार्ज में रहता है तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटली ट्वेंटी एट क्वेश्चन को किया और यदि आप इन सभी क्वेश्चन का प्रश्नों का आंसर सही पी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए सॉफ्टवेयर स्टडी आकाश कुमार वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन का जो पी है डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ और भी वीडियोज़ बन चुके हैं अगर अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर के जो आई बटन है उसको टच करके आप सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करते रहिए है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद